बच्ची है और एक औरत है, उसका घर टूट गया था, अब इसकी फैमिली में खुशी आ रही, हस्बैंड वापस आ रहा है, अपना कर रहे हैं, अपनी मेहनत करें, आप हम लोगों की बच्चियों को ये तबाह करें, तुम लोग 15-16 साल की बच्ची को गलत नजरों से देख रहे हो, कुत्ते के बच्चों तुम्हारी लाइनें लगी हुई हैं, आप नॉर्थ यूके में जो ज्यादतियां तुमने छोटी बच्चियों के साथ की हैं, इधर आके बातें बड़ी बड़ी करते हो। अब जनाब ये अब्यूजर कुत्ते लोग जो है जो गालियां देने वाले हैं वो मेरे को गालियां देंगे गालम गलोच करोगे ये सोच के कि मलक जो है वो पीछे हट जाएगा अपनी इस बात से या अपने जिस जो ये महाज लेके चला है। ऐसी दी तैसी नहीं मारी तुहाडे फैमिली कंटेंट क्रिएटर दी फैमिली व्लॉगर्स पूरे का पूरा मुआशरे की ऐसी की तैसी तुमने फेर दी है। आज जब किसी के पैरों के नीचे आके दबे हो तो चीखे निकल रही हैं। मेरी पावर पता है क्या है? अवाम, मेरे कमेंट वॉरियर्स, कोई नहीं हरा सकता मेरे कमेंट वॉरियर्स को, याद रखना अवाम आज हक और सच के साथ खड़ी है, अवाम की आंखें अब खुली हैं, अवाम अब अपने बच्चों की फिक्र कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह बहुत दूर तक लेके जाएंगे इन मामलात को हम। अवाम जिंदाबाद, कमेंट वॉरियर्स जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपने वीडियो देखी ली होगी कि किस तरह से ये शख्स मलकू को मुंह भर भर के गालियाँ दे रहा है, ये पाकिस्तानी फातिमा को फुल सपोर्ट दे रहा है और यही कह रहा है कि अगर बच्चियाँ अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही हैं तो इसमें क्या बुराई है, और मलकू को इसने बुरी तरह से गालियाँ दी हैं, ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा कि इसने किस तरह से मलकू को माँ बहन की गालियाँ दी हैं। हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आप वीडियो देखें उसके बाद फैसला करें कि कौन ठीक है कौन गलत है। मजीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्ची है और एक औरत है, उसका घर टूट गया था, अब इसकी फैमिली में खुशी आ रही, हस्बैंड वापस आ रहा है, अपना कर रहे हैं, अपनी मेहनत करें, आप हम लोगों की बच्चियों को ये तबाह करें, तुम लोग 15-16 साल की बच्ची को गलत नजरों से देख रहे हो, कुत्ते के बच्चों तुम्हारी लाइनें लगी हुई हैं, आप नॉर्थ यूके में जो ज्यादतियां तुमने छोटी बच्चियों के साथ की हैं, इधर आके बातें बड़ी बड़ी करते हो। हाँ जी बाजी, बाजी सॉरी आप आगे बताएं, क्योंकि आप क्या अभी आपको मैं चीज समझाऊं कॉलेज से बाकी इन लोगों के साथ मत करें, ये कुत्ता सुनता रहता है कि मैं किसके साथ कितनी सारी एक्शन करूं, ये जो बोल रहा है ना आपको इसको वीडियोस मिलेगी, बेसिकली गाइस ये क्या कर रहा है, इन्होंने अपनी फॉलोइंग बनाई है, छोटी सी बच्ची को ये बुली करा रहा है, ये कुत्ते का बच्चा, ये छोटी बच्ची को गालियां पड़वा रहा है अपने लोगों से, ये छोटी बच्ची के लाइफ के ऊपर अटैक करा रहा है, उसको रुला रहा है लाइफ के ऊपर, ये कुत्ते का बच्चा इस बच्ची को गलत नजरों से देख रहा है इसलिए इस बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के इसको चाहिए थी एक छोटी बच्ची इसको लाइफ पे मिले, उसको तंग करे, उसके साथ बातें करे, बुरी बातें करे, ये चढ़ा सुबह से लेकर रात तक उस बच्ची को देखता है, उसके ब्लॉग्स देखता है, तेरी तरह सारे हम भी देखते हैं ब्लॉग, हम देख रहे हैं, हमारी बहन है, हमारी छोटी भांजी है, बच्ची छोटी सी बैठी हुई है, कोशिश कर रही है अपनी कंट्री की, तू कुत्ते के बच्चे की तरह के बातें कर रहा है, तू बना रहे ना लोगों को हमारे खिलाफ कर रहा है, और यकीन करें लोग इसकी इसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। मैंने कभी भी अपने शौहर का ना जिक्र नहीं करना था कि मेरे शौहर ने और शादी की, मैंने कहा अगर मैं जिक्र करूंगी तो सारे कहेंगे कि आयशा ना सितारा यासीन की तरह ये बात रख रही है कि मेरे हस्बैंड ने और शादी कर ली, और वो फेम हालात बेहतर होते ना, हस्बैंड मेरे अच्छे होते बहुत ज्यादा, उनके पास सब कुछ होता, घर होता, टेंशन नहीं होती, तो मैं क्यों यूट्यूब पर आती, कभी भी ना आती, कौन चाहता है अपना सुकून बर्बाद करना, मैं आराम से हाउसवाइफ की तरह ही घर में रहती, मेरे पति मेरे बच्चे सुकून से रहते हैं, उनके पास हर चीज होती, अल्लाह ने आपको बनाया है ताकि आप व्लॉग बनाएं, आपकी बेटी भी व्लॉग बनाए और लोग देखें कि आप जैसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं मशक्कत करते हैं, अल्लाह ने आपको एक एग्जांपल बनाया, एक पॉजिटिव एग्जांपल बनाया। यहाँ पे मेरी हटती है दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे पे जो बात करनी है करो, लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाती है ना कि अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी है कि यूट्यूब पे आके अपनी 13 साल की बच्ची को सामने लाके भीख मांग के पैसे कमाए, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये कौन सा इस्लाम है कोई बताएगा मुझे? अब ये जो जिस बंदे की आवाज आपने सुनी है इस हिजड़े से क्या आप सीखेंगे ये चीजें, आपके बच्चे इन हिजड़ों से सीखेंगे? जिस बेगैरत इंसान ने अपने छोटे भाई का रेप किया हो लंदन में, और जो ड्रग डीलिंग में सबसे अव्वल दर्जे का हो, जो आपके साथ प्रॉपर्टी का घोष करके भाग गए वियतनाम में, उसकी बात आप सुनेंगे क्या? हाँ जी, और ये इंसान जो पब्लिकली इस तरह चीजें करता हो, ये आपकी बच्चियों को सीधा रास्ता दिखाएगा? ये बचाएगा आपके बच्चों को? वो कोई अक्ल को हाथ मारे, और जो ये औरत बोल रही है ना बेगैरत औरत बच्ची फरोश आयशा इलाही कि मेरे हस्बैंड अगर इतने अच्छे होते या मेरे साथ होते, अबे रोजाना मल्ले वाले देखते हैं तुम लोगों को इकट्ठे गाड़ियों में आते जाते, इतना बता झूठ नहीं बोलता, सैकड़ों के हिसाब से मेरे इनबॉक्स में चीजें, मैं क्या वो लीक करूं, मैं तो गाड़ी खत्म कर देता हूं, मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूं, तुम रहोगे। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये तुम्हारे बोल खोलने से पहले आशा लाइक 3000 पाउंड तुमने एक बंदे का खाया नहीं था, ये देख ये सामने देख, ये तेरी 13 साल की बच्ची एक 40 लेवल गिफ्टर को फॉलो दे रही है, उस गिफ्टर का कोई कंटेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए, ये देख अगर ये
बंदा उसको फॉलो बैक दे तो क्या ना क्या बातें कर सकता है। तू रखती है नजर, तू अपनी बच्ची को आगे बेहद बनाना चाहती है, इसका मतलब ये होगा कि सारी तेरी बच्ची को आइडल मान के बेहद बने। ये देख सामने ये गाड़ी चक्कर, ये भी 12-13 साल की बच्ची बैठी है बेहद औरत तुझे देख के, ये तुम लोगों से सीख रहे कंजरो बेहद नस्ल, पूरे मुआशे को गंदा करने में तुली लिया। ये मैं तो ऐसा करने नहीं दूंगा, और मोहन मेरे रास्ते में जो भी आएगा खुदा की कसम उसको ठुड़े मार मार के साइड पे करूंगा मैं, किसी का प्यो भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे साथ मेरी वाइफ खड़ी है, समझ आइए, किसी का बाप बाप समझता है या बाप, बाप भी मेरे को नहीं रोक सकता। मैं घूमता रहूंगा इंटर जब तक मेरे अंदर सा है, मुझे परवाह आगे आने वाली नस्ल की कंजरों बेगाड़े झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, मेरा हस्बैंड ये मेरा हस्बैंड वो अड्डा कटा है तेरा कसम, फैक्ट्रियों का मालक है तेरा कसम। बात कहती है गाड़िया घर जदाद हर चीज है, लाखों रुपया मर चुकी है तू अभी तक आयशा लाई बेगैरत औरत, वो बेगैरत। ये जितने भी ऐसे आते रहेंगे मेरी आवाम मेरे साथ है, मेरी 100% मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे साथ है, ऐसी की तैसी फेर के रखो इनकी, मेरे गवर्नमेंट वॉरियर्स पीछे मत हटना, बचा के रखो इनकी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बचा के रखो इनकी। इस बगैरत हिजड़े की असल हकीकत मलकू ने सबको बता दी है कि इसका क्या मकसद है माशरे में बेरारवी फैलाने का, और ये क्यों चाहता है कि घर की माएं बहनें टिकटॉक पे लाइव बैठ के अपना मुजरा दिखाएं। हम सब मलकू के साथ हैं और हम सबकी एक ही जबान है कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए ताकि ये तमाम बेरारवी जड़ से खत्म हो और घर घर चकले बनना बंद हो, हमारी माए बहने इज्जत से अपने घर में रहें, इज्जत की रोटी खाएं, अपने आप को पमाल ना करें। टॉक पे लाइव आके मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी, जहां रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।